क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये डोरमेट बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। ये देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस डोरमेट के लिए हमने यहाँ पे कोई सा भी कलर का आप ऊन ले सकते हैं, 3 ply 4 ply। सबसे पहले धागे में हमें नोट लगा लेनी है। धागे में हमने यहाँ पर नोट लगा लिया, फिर हमें यहाँ पर 35 चैंस हमें बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह हमें बाकी की चैन्स हमें बना लेनी है। ये हमने यहाँ पर 35 चैन्स हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 1, 2, 3 जो चौथे नंबर की चैन है वहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसके बगल वाली चैन में भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चैन, फिर 2 स्कीप करनी है, 2 चैन, और तीसरे में फिर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, फिर उसकी अगली जो 2 चैन है उन दोनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। 1, 2, टोटल हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर 2 चैन, फिर 2 चैन स्किप करनी है, तीसरे पे डबल क्रोशिया बनानी है। फिर यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3, ये देखिए। फिर 2 चैन, फिर 2 स्कीप करनी है, तीसरे पर फिर डबल क्रोशिया। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन नीचे में हमें 2 चैन स्कीप करनी है, फिर तीसरे चैन पर डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। ये देखिए, इसी प्रोसेस से इस लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times हमने यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर हमें यहाँ पे ये कॉर्नर तक हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें यहाँ पे 7 चैन्स, 1 चैन थोड़ी हमें लूज लेनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर हमें अब इसे टर्न करना है। ये देखिए, इस तरह हमें यहाँ पे ये हमारी जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया। जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे हमें हाइड करते हुए जाना है। फिर जो दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो तीसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। जिस तरह हमने यहाँ पर पहली लाइन को जिस तरह हमने बनाया उसी तरह हमें यहाँ भी बनानी है। तो इस तरह हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 चैन, फिर जो डबल क्रोशिया है इन तीनों के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन, फिर इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। इसी प्रोसेस से इस लाइन को हमें कम्प्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसकी दूसरी तरफ भी हमने ये बना लिया सेम प्रोसेस से। हमने यहाँ पर लास्ट तक हमने ये जो हमारा था यहाँ पर इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है जो हमने बना लिया। फिर जिस तरह हमने इस कॉर्नर पे 7 चैन्स हमने बनाया था उसी तरह दूसरी कॉर्नर भी हमें 7 चैन्स बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर जो हमारी ये पहली डबल क्रोशिया है यहाँ पे इसे हमें जॉइन कर लेनी है स्लिप स्टिच से। ये देखिए, फिर जो अगली डबल क्रोशिया है यहाँ पर भी स्लिप स्टिच, फिर बीच का जो स्पेस है स्लिप स्टिच। ये देखिए, बीच वाले स्पेस में हमें आनी है। फिर 3 चैन, फिर इसी स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। 1, 2, फिर 2 चैन। यहाँ पर हमारी जितनी भी स्पेस है ये देखिए, हर स्पेस में हमें यहाँ पे 3-3 डबल क्रोशिया बनानी है। इस स्पेस तक हमें यहाँ पे 3-3 डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में हमें 2-2 चैन बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हर स्पेस में हमने यहाँ पे 3-3 डबल क्रोशिया बना लिया और बीच में हमने 2-2 चैन। फिर जो हमारा ये स्पेस है इस स्पेस में हमें यहाँ पे पहले 2 चैन, फिर इस स्पेस में फिर हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1, 2, फिर 2 चैन, फिर इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह हमें 5 टाइम 2-2 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में हमें 2-2 चैन बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर 2 डबल क्रोशिया,
फिर दो चैन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, एक दो तीन चार, ये पांचवी बार हमें दो डबल क्रोशिया बनानी है। पांच, ये पांच टाइम हमने दो दो डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए एक दो तीन चार पांच, फिर दो चैन, फिर सेम प्रोसेस जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह हर स्पेस में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में दो दो चैन बनाना है। फिर जो दूसरी तरफ जो हमारा स्पेस है, ये देखिए दूसरा कॉर्नर जो है, तो इसी तरह हमें इस कॉर्नर पे भी हमें बना लेनी है। यहाँ तक हमें इसे कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दूसरी तरफ भी इसे हमने सेम प्रोसेस हमने यहाँ तक इसे बना लिया। इसके इस स्पेस में भी हमने पांच टाइम बनाया है, एक दो तीन चार पांच, बीच में हमने दो दो चैन बनाया है। फिर हमें यहाँ पे इसे जॉइंट करनी है जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम जॉइंट किया था, उसी तरह इस टाइम भी हमें जॉइंट करनी है। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, फिर बीच वाले स्पेस में स्लिप स्टिच। ये देखिए फिर हमें यहाँ पे तीन चैन, फिर दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर हमारे यहाँ जितने भी स्पेस हैं इन स्पेस में यहाँ तक, ये देखिए एक एक दो तीन चार पाँच, इन पांच स्पेस में हमें यहाँ पे तीन तीन डबल क्रोशिया दो दो चैन करके हमें यहाँ पे बना लेनी है हर स्पेस में। ये देखिए ये हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छः टाइम हमने यहाँ पे बना लिया। फिर जो हमारा है यहाँ पे इस लाइन में हमें सभी स्पेस में, ये देखिए यहाँ तक तो हमने यहाँ पे इसे बना लिया। फिर जो यहाँ इस कॉर्नर पे जो हमारा स्पेस है दो डबल क्रोशिया के बाद वाली जो स्पेस है, इस स्पेस में भी हमें यहाँ पे तीन तीन डबल क्रोशिया बनानी है। इस लाइन में हमें सभी स्पेस में तीन तीन डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में हमें दो दो चैन बनाना है। इस लाइन में हमें सभी स्पेस में जितनी भी हमारी स्पेस है, ये देखिए इन सभी स्पेस में हमें यहाँ तक हमें सभी में तीन तीन डबल क्रोशिया और बीच में दो दो चैन, इस प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमने ये कंप्लीट कर लिया है। सभी पे हमने तीन तीन डबल क्रोशिया हमने बना लिया था सभी स्पेस में। फिर हमने यहाँ पे इसे जॉइंट किया, फिर स्लिप स्टिच, फिर स्लिप स्टिच, फिर तीन चैन, फिर यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया बनाया, फिर दो चैन, फिर स्पेस में हमने यहाँ पे तीन तीन डबल क्रोशिया हमने बनाया, बीच में दो दो चैन। हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच टाइम हमने बनाया है, फिर दो चैन, फिर हमें यहाँ पे जो तीन डबल क्रोशिया जो हमने बनाया था पिछली लाइन में, यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है और जो दूसरे नंबर की डबल क्रोशिया है यहाँ पे से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर जो तीसरे नंबर की है उसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर जो हमारा अगला स्पेस है इसी स्पेस में हमें दो दो डबल क्रोशिया हमें बनानी है, दो डबल क्रोशिया। ये देखिए ये हमने यहाँ पे दो चैन बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया हमने स्किप किया, फिर दूसरे और तीसरे पर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर जो बीच का स्पेस है यहाँ पे हमने दो डबल क्रोशिया बनाया। ये देखिए पिछले हमने यहाँ पे दो बनाया था, फिर तीन बनाया, फिर इस लाइन में हमने चार बनाया, फिर दो चैन, फिर हमें यहाँ पे एक स्किप करनी है डबल क्रोशिया और दूसरी और तीसरी पे एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है। ये बहुत ही सिंपल डोरमेट है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। फिर बीच वाले स्पेस में दो डबल क्रोशिया, बस एक एक डबल क्रोशिया हमें बढ़ते हुए क्रम में हमें बनानी है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पे बन गया, एक हमने स्किप किया, दूसरे तीसरे पर एक एक डबल क्रोशिया, बीच वाले स्पेस में दो डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर अगले वाले में भी हमें बनानी है, एक स्किप करनी है और दूसरे और तीसरे पे एक एक डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले स्पेस में दो डबल क्रोशिया। फिर दो चैन, ये देखिए हमने यहाँ पे जिस तरह दो दो डबल क्रोशिया हमने पांच टाइम बनाया था, एक दो तीन चार पाँच, उसी तरह हमें यहाँ पे भी पांच टाइम बनानी है, एक दो तीन, तीन टाइम हमने बना लिया, दो टाइम हमें और बनानी है। ये देखिए ये हमने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, पांच टाइम हमने यहाँ पे बना लिया,
एक डबल क्रोशिया स्किप किया, फिर दो डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर बीच वाले स्पेस में दो डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे दो चैन। इस प्रोसेस से हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 टाइम हमने बना लिया, फिर दो चैन हमने बनाया, फिर हमें यहाँ पे दूसरी तरफ फिर 1 2 3 4 5 6 स्पेस में हमें यहाँ पे 3 3 डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में 2 2 चैन। ये देखिए जिस तरह हमने यहाँ पर बनाया है इसी तरह हमें यहाँ पर 6 स्पेस में हमें बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्पेस में हमने यहाँ पे 3 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया, अब बीच में 2 2 चैन। फिर जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया है सेम प्रोसेस हम इसकी दूसरी तरफ भी हमें बनानी है, तो हमने यहाँ पे 2 चैन बनाया, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है, दूसरी और तीसरी पर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है, 1 2 फिर स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए फिर 2 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है, फिर दूसरी और तीसरी पे डबल क्रोशिया, फिर स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चैन। इसी तरह हमें 5 टाइम हमें बनानी है, 2 टाइम हमने बना लिया, 3 पे हमें और बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने दूसरी तरफ भी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम हमने बना लिया, फिर यहाँ पे हमें 2 चैन, फिर जो हमारा अगला स्पेस है ये देखिए इस स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। जिस तरह हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने बनाया उसी तरह हमें यहाँ भी 6 टाइम बनानी है। तो स्टार्टिंग हमने यहाँ पर 5 टाइम बनाया था, एक हमने यहाँ बनानी है तो हमारा 6 हो गया, फिर इसे हमें जॉइंट कर लेना है, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर हमें यहाँ पे जॉइंट कर लेनी है, फिर बीच वाले स्पेस में फिर 3 चैन, फिर सेम प्रोसेस है हमारा यहाँ पे 1 स्पेस 2 3 4 5 इस स्पेस तक हमें सभी पे 3 3 डबल क्रोशिया बनानी है, बीच में 2 2 चैन। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग में हमें 5 टाइम में हमें यहाँ पे 3 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर इसकी जो दूसरी तरफ है एक साथ हमें यहाँ पे 6 टाइम बना लेनी है। तो हमने यहाँ पे बना लिया, फिर 2 चैन, फिर सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे पहले हमने 2 से स्टार्ट किया, फिर 3, फिर 4, अब हमें यहाँ पे 5 टाइम बनानी है। तो पहली वाली स्कीप करनी है, दूसरी तीसरी चौथी इन तीनों पर हमें एक एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है, हर लाइन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बढ़ते हुए क्रम में हमें बनानी है, 1 2 3 फिर जो बीच का स्पेस है 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए 4, फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पे 5 बनाया, फिर 2 चैन, फिर एक स्कीप करनी है हमें दूसरे पे डबल क्रोशिया, फिर तीसरे पे, चौथे पे, फिर बीच वाले स्पेस में जो हमारा स्पेस है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर 2 चैन, फिर सेम प्रोसेस से हमें बाकी में भी हमें बना लेनी है, ये देखिए इस तरह। फिर यहाँ तक हमारा जब कंप्लीट हो जाए फिर स्पेस में 6 स्पेस में हमें 3 3 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, फिर हमें यहाँ से यहाँ तक हमें बना लेनी है स्पेस में 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक हमें इसे बना लेना है, इसे पहले हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5 टाइम हमें बनाया है, ये देखिए 1 2 3 4 5 फिर हम यहाँ पे 2 चैन, फिर जो हमारा अगला स्पेस है यहाँ पे हमें डायरेक्ट आनी है, तो यहाँ पे फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, इसी प्रोसेस से हमें यहाँ पे 6 जो हमारा स्पेस है इन 6 स्पेस में हमें यहाँ पे इस तरह बना लेनी है। फिर जो हमारा अगला डिजाइन है ये देखिए फिर हमें यहाँ पे बनानी है सेम प्रोसेस है जिस तरह इस कॉर्नर पे हमने बनाया उसी तरह इस कॉर्नर पे हमें बना लेनी है 5 टाइम, ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में हमें बनानी है, तो 4 का फिर 5 करना है, ये देखिए
यहाँ तक हमें इसे बना लेनी है। फिर जो लास्ट स्पेस है उसी स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह इसे हमें कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 इन 5 स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, बीच में 2 चैन। फिर जो हमारे डिज़ाइन है ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन है फ्रेंड। तो फिर हमें यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में बनाना है। तो पहली हमेशा हर लाइन में पहली डबल क्रोशिया हमें स्कीप करनी है, उसके बाद सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है और बीच वाली स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर पहली वाली स्कीप करनी है, फिर उसके बाद वाली जितनी भी डबल क्रोशिया है सभी के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच वाली स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन। इसी प्रोसेस से हमें यहाँ पे ये 5 डिज़ाइन हमें बनानी है। फिर जब हमारी ये 5 डिज़ाइन हमारी बन जाए, फिर 2 चैन बनानी है, फिर 6 स्पेस में हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है और 2 चैन। फिर इसका जो दूसरा किनारा है सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पे इसे डिज़ाइन बना लेनी है। फिर जब 5 डिज़ाइन हमारी ये कंप्लीट हो जाए, फिर जो इस लाइन में हमने 5 टाइम हमने बनाया, छठी वाली हमें यहाँ पे बनानी है, ये देखिए। तो इस प्रोसेस से इसे हमें बढ़ते हुए क्रम में जितनी बड़ी आपको बनानी है उतनी बड़ी ये डोरमेट हमें बना लेनी है। ये देखिए, अभी हमने यहाँ पे 3 2 5 तक हमने बनाया है। आप इसे जितनी बड़ी बनाना चाहें उतनी बड़ी आप इसे बना सकते हैं। 5 के बाद आप 10 तक बना सकते हैं, 15 तक बना सकते हैं। ये जो डबल क्रोशिया है इसे बढ़ते हुए क्रम में हमें बनानी है। तो जितनी बड़ी आपको बनानी है इसे बना लेना है। ये बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स, जो ये हमारा डिज़ाइन है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो हमें इसे जितनी बड़ी बनानी है उतनी बड़ी इसे हमें बना लेना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका किनारा हमें कैसे बनाना है। तो उससे पहले हमें इसे बना लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। 13 डबल क्रोशिया तक हमने इसे बना लिया है। ये देखिए, इसे आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा आप इसे बना सकते हैं। तो हमने इसे बढ़ते हुए क्रम में सेम प्रोसेस से इसे हमने बना लिया है। ये देखिए, ये डोरमेट हमारा ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, ये डिजाइन है फ्रेंड। इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर, दोनों कॉर्नर पर हमारा डिजाइन है। तो आपको इसको जितनी बड़ी बनानी उतनी बड़ी इसे बना लेना है। फिर किनारा अगर आप चाहें तो सेम कलर से भी आप बना सकते हैं, या तो आप दूसरे कलर से भी आप बना सकते हैं। अगर आप दूसरे कलर से इसे बनाना चाहते हैं फ्रेंड्स किनारा, तो यहाँ पर एक चैन बना के धागे को कट कर लेना है, फिर हमें दूसरा कलर ऐड करना है। मैं यहाँ पर सेम कलर से बना रही हूँ। तो हमने यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया। जॉइंट करने के बाद फिर हमें यहाँ पर 3 चैन, ये देखिए हमने जॉइंट किया, स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच, फिर हमने 3 चैन बनाया। फिर यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। आप इस डोरमेट को 4 प्लाई से बनाएं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत बड़ा लगेगा, बहुत ही बड़ा बनता है 4 प्लाई से अगर आप इसे बनाएं, या तो अगर आपके पास कोई पुराना ऊन हो, स्वेटर वगैरह हो, तो उससे भी आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें यहाँ पर 3 चैन, 1 2 3। फिर जो ये हमारा डबल क्रोशिया है, ये देखिए, ये जो चैन है हमारी, इस चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। ये देखिए, ये जो तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया है उसके ऊपर जो चैन है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। ये देखिए, फिर इसी स्पेस में फिर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। ये देखिए, ये हमारा किनारा है, बहुत सुंदर लगता है। फिर हमें यहाँ पे 2 चैन, 1 2। फिर जो अगला स्पेस से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है, फिर 2 चैन, चैन थोड़ा हमें लूज लेना है। फिर अगले स्पेस में फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3। फिर 3 चैन, 1 2 3। फिर ये जो हमारा है डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया। 3 चैन जो बनाए वो पहली है, उसके बाद फिर 2 बनानी है, टोटल 3 बनानी है हमें। फिर हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये देखिए 3 हमने नीचे बनाया, 3 फिर इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया हमें और बनानी है, 1 2 3। ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है ये। फिर 2 चैन, फिर जो अगला स्पेस है यहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर लेनी है सिंगल क्रोशिया से,
ये देखिए, फिर दो चैन, फिर जो हमारी ये डिजाइन है ये देखिए, ये जो हमारा है यहाँ पे हमें बनानी है तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, दो डबल क्रोशिया, फिर इसी स्पेस में तीन डबल क्रोशिया। ये देखिए, फिर यहाँ पे दो चैन, फिर ये हमारा डिजाइन है, यहाँ पे हमें एक दो तीन स्किप करनी है, चौथे पे से हमें जॉइंट करनी है सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर यहाँ पे एक दो तीन स्किप करनी है, चौथे पे फिर हमें ये डिजाइन बनानी है तीन डबल क्रोशिया। ये हमने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाया, फिर इसके ऊपर हमने बनाया है, फिर इसी चैन पे हमें तीन डबल क्रोशिया और बनानी है इसी चैन पे, ये देखिए इसी चैन में, ये देखिए, फिर दो चैन, फिर हमें यहाँ पे एक दो तीन स्किप करनी है तीसरे पे, ये देखिए ये हमने यहाँ पे बनाया, फिर एक दो तीन स्किप किया, चौथे पे हमने जॉइंट किया, फिर एक दो चैन, फिर जो स्पेस है इस स्पेस में सिंगल क्रोशिया, ये हमने यहाँ पे इसे जॉइंट किया, जॉइंट करने के बाद फिर दो चैन, फिर ये जो स्पेस है इस स्पेस में फिर हमें ये डिजाइन हमें बनानी है। ये देखिए ये हमारा किनारा है, ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद, ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर सेम प्रोसेस से हमें इसके बीच में भी हमें बनानी है, तीन यहाँ स्किप करनी है, फिर तीन यहाँ स्किप करनी है, इस तरह स्किप करते करते हमें यहाँ पे भी एक डिजाइन हमें बनानी है, फिर इस स्पेस में एक डिजाइन बनानी है, फिर इसके बीच में एक डिजाइन बनानी है, फिर इसके स्पेस में हमें एक डिजाइन बनानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये किनारा बना लेना है, सभी में हमें बना लेनी है। ये देखिए इस पे हमें बनानी है, फिर स्पेस में बनानी है, फिर जॉइंट करनी है, फिर स्पेस में बनानी है, फिर जॉइंट करनी है, इस तरह हमें ये किनारा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किनारा हमारा ये कंप्लीट हो चुका है बनके, ये देखिए ये हमने यहाँ तक इसे बना लिया। फिर दो चैन हमें यहाँ पे इसे जॉइन करना है सिंगल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर इसे हमें यहाँ पे जॉइन करनी है, फिर एक चैन धागे को हमें कट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोरमेट बनके हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद, ये बहुत ही सिंपल है। ये देखिए हमारा डिजाइन है, ये देखिए डोरमेट की डिजाइन, ये देखिए बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, ये बनके बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटा घड़ी पर क्लिक जरूर करें कि हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।